मेरे लिए दो शब्द कुछ आशीर्वचन बोल पाएंगे गुरुदेव? तुझे सब जानते ही हो, चाणक्य जी ने कहा है कि श्लोक, यावत स्वस्थ है हम देहम यावत मृत्युश्य दूरिता सावधात किंतम कुरियात प्राण अंते किम करिष्यत। जब तक शरीर स्वस्थ है और अभी जीवन है, मृत्यु दूर है, तब तक अपने आत्म कल्याण का काम कर लेना चाहिए। प्राण अंत होने के समय क्या कर सकेगा? जैसे हम लोगों का शरीर है, काम नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर बैठो तो भी लेटने का विचार होता है, लेट जाओ तो फिर बैठने का विचार होता है। तब शरीर अब काम नहीं कर रहा है, तो इस अवस्था में अपने आत्म कल्याण का काम कैसे सद सकेगा? तो पहले स्वस्थ शरीर में ही अपने आत्मचिंतन का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए, और प्राण हंत होने के समय कुछ नहीं हो पाएगा। तो सावधानी दिलाई है महापुरुषों ने कि शरीर स्वस्थ हो तब अपने जीव के कल्याण का काम कर लेना चाहिए, और फिर आलस से या कर्मठता से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो नया काम है, इसलिए इसमें मन कम लगता है, मन लगाना पड़ता है तवे निकाल के। अभी हम स्नान किया, जलपान किया, एक ब्रह्मचारी आए हैं तो उनसे कहा पुस्तक सुनाओ, तो दो शब्द सुनाए, और रात में जगे थे, सोए नहीं थे, तो अंधेरी लगती थी, तो हमने कहा अच्छा रहने दो, भोजन वजन करके फिर सो लेना, तब फिर सुनाना। नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी से कहते हैं सुनाओ, तो सुनाता है ग्रंथ जितना सुना सके, एक दो शब्द तो सुनते रहते हैं, मनन करते रहते हैं। वही कल्याणार्थी के लिए सबको उचित है कि वो अपना स्वयं शांत होने का पुरुषार्थ न भुलाए, और तो सब ये व्यवहारिक धंधा चलता रहेगा। नाशवान शरीर है, उसके लिए रात दिन आदमी पुरुषार्थ करता है, और जो अविनाशी चेतन है उसके लिए कुछ नहीं करता है। तो ऐसी गाफिली हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, अपने आत्म कल्याण का काम करते रहना चाहिए जितना हो सके, लक्ष्य उधर बना रहे। व्यवहारिक काम तो करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, और परमार्थ का लक्ष्य कभी भुलाना न चाहिए। जी गुरुदेव, आज सवेरे वो जीवन की मध्यमादकता कृष्ण कर अधर सलोने मुख नयन कमल से कोमल, ये छंद जो है श्री अभिलाष साहेब का बनाया हुआ, उसका सवेरे अर्थ हमने किया था। थक गए थे, आधा घंटा उसकी व्याख्या की, अच्छा बनाया है। कभी कोई कुछ सुना देते हैं, नहीं कोई कहता है तो सुनते हैं। रोज सवेरे वंदना के बाद थोड़ा बहुत सत्संग, वे अनुभव दास या प्रवीण दास या शीतल दास, कोई न कोई कुछ कहता है तो सुन लेते हैं। सुन रहा हूँ बुद्धा, मैं सुन रहा हूँ सब। हाँ, अब ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं है, जो करते रहे हो कर रहे हो उसमें पीछे न हटे, बस यही कर अपना पुरुषार्थ है। यावत स्वस्थ हैं हम देहम यावत मृत्युश्य दूरिता
तावदात्महितं कुर्यात् प्राण अन्ते किं करिष्ये। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, तब तक अपने जीव के कल्याण का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर कुछ नहीं सदेगा। तो स्वस्थ शरीर में अपना लक्ष्य आत्म कल्याण के लिए बनाए रहना चाहिए, भूले ना कभी, बस यही है पुरुषार्थ। तो पढ़ने का समय मिलता है कुछ कि नहीं? हाँ साहब, पूरा मिलता है। प्रवचन रोज लगभग प्रवचन की सीडी सुन लेता हूँ, और पढ़ने का समय ड्यूटी में भी ज्यादा मिल जाता है। मोर जाता है। अपना लक्ष्य अपनी तरफ हर समय बना रहे, यह ठीक है जी गुरुदेव। तो कब समय मिलेगा यहाँ आने का? अबे गर्मी थोड़ा कम हो जाए गुरुदेव। हाँ ना, गर्मी जगह है। तो लाइन की कटौती पहले होती थी वैसे ही है क्या गुरुदेव? अभी भी नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर तो लाइन की कटौती पहले होती थी वैसे ही है क्या गुरुदेव? अभी भी नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर तो लाइन की कटौती पहले होती थी वैसे ही है क्या गुरुदेव? अभी भी नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर और मोर और मोर नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर और मोर और मोर नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर लाइन की कटौती पहले होती थी वैसे ही है क्या गुरुदेव? अभी भी नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और मोर भेज देता तो कूलर रख लेते करके। कूलर दो है यहाँ, दो तीन है, कोई जरूरत नहीं है। वही नहीं हम चलाते हैं जो रखा है जी। क्या हो, कूलर क्या करेंगे? शरीर में जितने सुविधा पहुंचाओ उतने सहन रहित हो जाता है जी, इसलिए थोड़ा गर्मी सर्दी सहन भी करते तो ठीक रहता है। बहुत शरीर को अमीर बनाने से ज्यादा तकलीफ होती है जी गुरुदेव। और एसी लगाई है वहाँ? कहाँ गुरुदेव? वहाँ नए आश्रम में एसी लगाई है। अच्छा। तो लगाया था तो हमसे कहा साहब इसमें बैठ लो, 10 मिनट बैठे और हमको ठीक नहीं पड़ी तो हमने कहा हम नहीं बैठ पाएंगे। तो एसी लगी है पर नहीं बैठते उसमें, बाहर खुली हवा में बैठते। नहीं गुरुदेव, वो बहुत अत्यधिक गर्मी हो तब उसके लिए थोड़ा बहुत के लिए ठीक है, बाकी तो स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। हाँ हानिकर है जी, वो हमें अच्छा नहीं लगता उसमें जी गुरुदेव। 10 मिनट बैठे थे एसी में। हाँ। 4-5 महीना हो गए, एक बार 10 मिनट बैठे थे तब से नहीं बैठे।
तो आपके लिए जो कमरा बना है उसी में लगाए हैं गुरुदेव? हाँ। अच्छा। अरे कोई रहेंगे हमारे लिए तो नहीं ठीक है जी गुरुदेव। वो तो गुरुदेव कोई बड़े बड़े अधिकारी वगैरह हैं या जो अभ्यासी हैं कुछ इस ढंग से, उनके लिए उचित है, हम लोगों के लिए तो नहीं है वो। हाँ। और रोगी हो जाएंगे उसका अभ्यासी होने से। हाँ वो बीमारी और बढ़ाएंगे। जी वो लू साहेब आए थे तो एक दिन दो दिन वहाँ रहे थे। अच्छा। और राजस्थान के वे हमारे गुरु भाई जो सुचाल साहेब वे रहे 4-5 दिन। अच्छा। हम नहीं रहे उसमें। सुचाल साहेब कब आए थे साहेब? आए थे 11 दिन हुए। अच्छा। 6 महीना हुए हैं। अच्छा अच्छा अब इस समय गर्मी है तो नहीं आ पाए। जी आने कह रहे थे। उनको अलग कमरा पसंद है तो उसी में रख देते थे। जी जी कि रहो इसमें। जी लैट्रीन बाथरूम सब है उसी में। जी एसी भी लगी है तो उनके अनुकूल थे तो रहते थे। तो मेरे लिए दो शब्द कुछ आशीर्वचन बोल पाएंगे गुरुदेव? अरे सब जानते ही हो और चाणक्य जी ने कहा है कि श्लोक यावत स्वस्थ है हम देहम यावत मर्तुष्यदुरिता तावदात चिंतम कुर्यात प्राण अंते किम करिष्यत। जब तक शरीर स्वस्थ है और अभी जीवन है मृत्यु दूर है तब तक अपने आत्मकल्याण का काम कर लेना चाहिए। प्राण अंत होने के समय क्या कर सकेगा? जैसे हम लोगों का शरीर है काम नहीं कर रहा तो थोड़ी देर बैठो तो भी लेटने का विचार होता है, लेट जाओ तो फिर बैठने का विचार होता है। तब शरीर अब काम नहीं कर रहा है तो इस अवस्था में अपने आत्म कल्याण का काम कैसे सद सकेगा? तो पहले स्वस्थ शरीर में ही अपने आत्मचिंतन का पुरुषार्थ कर लेना चाहिए और प्राण हंत होने के समय कुछ नहीं हो पाएगा। तो सावधानी दिलाई है महापुरुषों ने कि शरीर स्वस्थ हो तब अपने जीव के कल्याण का काम कर लेना चाहिए और फिर आलस से या कर्मणता से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये तो नया काम है इसलिए इसमें मन कम लगता है, मन लगाना पड़ता है समय निकाल के। अभी हम स्नान किया, जलपान किया, एक ब्रह्मचारी आए हैं तो उनसे कहा पुस्तक सुनो तो दो शब्द सुनाए और रात में जगे थे सोए नहीं थे तो अंधाई लगती थी तो हमने कहा अच्छा रहने दो भोजन वजन करके फिर सो लेना तब फिर सुनाना। नहीं पढ़ पाते हैं तो किसी से कहते हैं सुनाओ तो सुनाता है ग्रंथ जितना सुना सके एक दो शब्द।
सुनते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, वही कल्याणार्थी के लिए सबको उचित है कि वो अपना स्वयं शांत होने का पुरुषार्थ न भुलाए, और तो सब ये व्यवहारिक धंधा चलता रहेगा। नाशवान शरीर है, उसके लिए रात दिन आदमी पुरुषार्थ करता है, और जो अविनाशी चेतन है उसके लिए कुछ नहीं करता है। तो ऐसी गाफिली हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, अपने आत्म कल्याण का काम करते रहना चाहिए जितना हो सके, लक्ष्य उधर बना रहे। व्यवहारिक काम तो करना ही पड़ेगा, करना भी चाहिए, और परमार्थ का लक्ष्य कभी भुलाना न चाहिए। जी गुरुदेव, आज सवेरे वो जीवन की मधुमादकता कृष्ण कर अधर सलोने मुख नयन कमल से कोमल, और ये छंद जो है श्री अभिलाष साहेब का बनाया हुआ, उसका सवेरे अर्थ हमने किया था। थक गए थे, आधा घंटा उसकी व्याख्या की, अच्छा बनाया है। तो कभी कोई कुछ सुना देते हैं, नहीं कोई कहता है तो सुनते हैं। रोज सवेरे वंदना के बाद थोड़ा बहुत सत्संग, वह अनुभव दास या प्रवीण दास या शीतल दास कोई न कोई कुछ कहता है तो सुन लेते हैं। जी गुरुदेव, हाँ ठीक सुन रहा हूँ गुरुदेव। मैं सुन रहा हूँ सब। हाँ, अब ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं है, जो करते रहे हो कर रहे हो उसमें पीछे न हटे, बस यही का अपना पुरुषार्थ है। यावत स्वस्थेयम देहम यावत मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, तब तक अपने जीव के कल्याण का काम करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर कमजोर हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर कुछ नहीं सदेगा। तो स्वस्थ शरीर में अपना लक्ष्य आत्म कल्याण के लिए बनाए रहना चाहिए, भूले ना कभी, बस यही है पुरुषार्थ। जी गुरुदेव, ठीक तो पढ़ने का समय मिलता है कुछ कि नहीं? हाँ साहब, पूरा मिलता है। प्रवचन रोज लगभग प्रवचन की सीडी सुन लेता हूँ, और पढ़ने का समय ड्यूटी में भी ज्यादा मिल जाता है। जी, अपना लक्ष्य अपनी तरफ हर समय बना रहे, यह ठीक है। जी गुरुदेव, तो कब समय मिलेगा यहाँ आने का? अबे गर्मी थोड़ा कम हो जाए गुरुदेव। हाँ, ना गर्मी जगह है।
लाइन की कटौती पहले होती थी वैसे ही है क्या गुरुदेव अभी भी? नहीं, अब सुधरा है। अच्छा। और